बुरहानपुर जिले के खतनार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा के दौरान सांसद नंद कुमार सिंह चौहान प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांधते हुए राम मंदिर मुद्दे पर वोट मांगते नजर आए। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इतने ऐतिहासिक काम किए गए हैं, जिसमें से एक राम मंदिर निर्माण का है। यह तो एक एक हिंदू के आत्मा की आवाज थी जिसे उन्होंने पूरा किया है। यह एक ही मुद्दा भाजपा को वोट देने के लिए काफी है। नरेंद्र मोदी ने भी जो काम किए हैं अद्भुत काम, अरे उन्होंने 500 साल से जहां भगवान राम ने जन्म दिया था वहां पर प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए। एक एक हिंदू के आत्मा की आवाज थी। 500 साल की वो लड़ाई, 500 साल का वो संघर्ष नरेंद्र मोदी के काल में वहां पे भूमि पूजन होकर प्रभु राम के मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आज एक यही मुद्दा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति को भाजपा के लिए वोट देने के लिए ये एक ही मुद्दा काफी है, एक ही मुद्दा काफी। वहीं बुरहानपुर पहुंचे महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अभी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, आज भी राम मंदिर के नाम पर तुम वोट मांग रहे हो। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, जिसे यह निर्णय लिया और राम मंदिर निर्माण के लिए आदेशित किया, किंतु इसका श्रेय भी भाजपा ले रही है कि इन्होंने किया यह राम मंदिर के नाम से जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, जनता सबक सिखाएगी। वही कहा कि अब राम जी भाजपा के नहीं बल्कि कांग्रेस के पास हैं। अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, अभी भी राम मंदिर के नाम से तो वोट मांग रहे हैं, तो पूरी जिंदगी भर राम मंदिर के नाम से चले। और मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने फैसला दिया कि राम मंदिर बनाया जाए, और बाय बाय खुद लूट रहे हैं, इन्होंने फैसला किया तो ये राम मंदिर के नाम से अभी भी जनता को बेवकूफ समझते हैं। जनता मजा बताएगी इनको आने वाले समय में, क्योंकि राम जी अब बीजेपी के पास नहीं कांग्रेस के पास है। और जिस देश का राजा खराब होता है उसको उस वहां की प्रजा को परेशानी का और सामना करना पड़ता है। देखिएगा सोयाबीन खराब, पानी आटा टूट गिर रहा, पूरा किसान परेशान, हम साधु संत परेशान, गौ माता परेशान, गौ माता रोडों में खड़ी हुई है, बैठी हुई है। युवराज जी इतने दिल मिला है तो 15 महीने में तुमको रहा नहीं गया, ये जनता तुम्हें उपचुनाव में जवाब देगी। तुम घोषणा भी रो कप्पी महाराज हो, तुमको केवल कप्पे मारने की आदत है, घोषणा करने की आदत है। इस जनता जनार्दन को यदि तुम्हें चुनना था तो 15 साल चुना, 5 साल के लिए चुना था, पर जनता को किनारे कर दिया आपने और एक भी फरोश करके और आपने करोड़ों रुपए देकर सरकार बना ली। बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट।